मीका पहला बाब सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंत का कलाम जो शाहाने यहूदा योतामो आखिजो हिस्किया के अय्याम में मीका मोरशती पर रोया में नाजल हुआ। ऐ सब लोगों सुनो, ऐ जमीन और उसकी मामूरी कान लगाओ, और खुदावंत खुदा, हां खुदावंत अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे, क्योंकि देख खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाजिल होकर जमीन के ऊंचे मुकामों को पामाल करेगा, और पहाड़ उसके नीचे पिघल जाएंगे और वादियां फट जाएंगी जैसे मोम आग से पिघल जाता और पानी कराड़े पर से बह जाता है। ये सब याकूब की खता और इसराइल के घराने के गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे मुकाम क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसलिए मैं सामरिया को खेत के तोदे की मानिंद और ताकिस्तान लगाने की जगह की मानिंद बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को वादी में ढलकाऊंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा, और उसकी सब खोदी हुई मूर्तें चूर चूर की जाएंगी, और जो कुछ उसने उजरत में पाया आग से जलाया जाएगा, और मैं उसके सब बुतों को तोड़ डालूंगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ कस्बी की उजरत से पैदा किया है, और वो फिर कस्बी की उजरत हो जाएगा। इसलिए मैं मातमो नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शुतर मुर्गों की मानिंद गम करूंगा, क्योंकि उसका जख्म लाइलाज है, वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक बल्कि यरूशलेम तक पहुंचा। जात में उसकी खबर ना दो और हरगिज नोहा ना करो, बैत अफ्रा में खाक पर लौटो। ऐ सफीर की रहने वाली, तू बरहनाओ रुस्वा होकर चली जा, जेनान की रहने वाली निकल नहीं सकती। बैत एजल के मातम के बायस उसकी पनागा तुमसे ले ली जाएगी। मारोत की रहने वाली भलाई के इंतजार में तड़पती है, क्योंकि खुदावंत की तरफ से बला नाजल हुई जो यरूशलेम के फाटक तक पहुंची। ऐ लेकस की रहने वाली, बादे पा घोड़ों को रथ में जोत, तू बिनते सहून के गुनाह का आगाज हुई, क्योंकि इसराइल की खताएं भी तुझ में पाई गईं, इसलिए तू मोर सत जात को तलाक देगी। अकजेब के घराने इसराइल के बादशाहों से दगाबाजी करेंगे। ऐ मार्सिया की रहने वाली, तुझ पर कब्जा करने वाले को तेरे पास लाऊंगा। इसराइल की शौकत उरलाम में आएगी, अपने प्यारे बच्चों के लिए सर मुंडाकर चंदली हो जा, गिद्ध की मानिंद अपने चंदलापन को ज्यादा कर, क्योंकि वो तेरे पास से असीर होकर चले गए। मीका दूसरा बाब। उन पर अफसोस जो बदकिरदारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें इजाद करते हैं, और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं, और यूं आदमी और उसके घर पर, हां मर्द और उसकी मीरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूं, जिससे तुम अपनी गर्दन ना बचा सकोगे और गर्दन कशी से ना चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर ये मिसल लाएगा और पुरदर्द नोहा से मातम करेगा और कहेगा, हम बिल्कुल गारित हुए, उसने मेरे लोगों का बखरा बदल डाला,
उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए, इसलिए तुम में से कोई ना बचेगा जो खुदावंत की जमायत में पामाइश की रस्सी डाले। बकवासी कहते हैं, बकवास ना करो, इन बातों की बाबत बकवास ना करो, ऐसे लोगों से रुस्वाई जुदा ना होगी। ए बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा कि खुदावंत की रूह कासिर हो गई? क्या उसके यही काम हैं? क्या मेरी बातें रास्त्रों के लिए मुफीद नहीं? अभी कल की बात है कि मेरे लोग दुश्मन की तरह उठे। तुम सुला पसंद हो बेफिकर राहगीरों की चादर उतार लेते हो। तुम मेरे लोगों की औरतों को उनके मरगूब घरों से निकाल देते हो, और तुमने मेरे जलाल को उनके बच्चों पर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उठो और चले जाओ, क्योंकि लाइलाज मोहलिक नापाकी के सबब से ये तुम्हारी आरामगा नहीं है। अगर कोई झूठ और बतालत का पैरो कहे कि मैं शराब और नशे की बातें करूंगा, तो वही इन लोगों का नबी होगा। ए याकूब, मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा, मैं यकीनन इसराइल के बकिया को जमा करूंगा, मैं उनको बुसरा की भेड़ों और चिरागा के गल्ला की मानिंद इकट्ठा करूंगा, और आदमियों का बड़ा शोर होगा, तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है। वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए और उसमें से गुजर गए, और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी खुदावंद उनका पेशवा। मीका तीसरा बाब। और मैंने कहा, ए याकूब के सरदारों और बनी इसराइल के हाकिमों सुनो, क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ हो? तुम नेकी से अदावत और बदी से मोहब्बत रखते हो, और लोगों की खाल उतारते और उनकी हड्डियों पर से गोश्त नोचते हो, और मेरे लोगों का गोश्त खाते हो और उनकी खाल उतारते और उनकी हड्डियों को तोड़ते और उनको टुकड़े टुकड़े करते हो, गोया वो हांडी और देख के लिए गोश्त हैं। तब वो खुदावंत को पुकारेंगे, पर वो उनकी ना सुनेगा। हां, वो उस वक्त उनसे मुंह फेर लेगा, क्योंकि उनके अमाल बुरे हैं। उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि अब तुम पर रात हो जाएगी जिसमें रोया ना देखोगे, और तुम पर तारीकी छा जाएगी और गैब बीनी ना कर सकोगे, और नबियों पर आफताब गरूब होगा और उनके लिए दिन अंधेरा हो जाएगा। तब गैब बीन पशेमान और फालगीर शर्मिंदा होंगे, बल्कि सब लोग मुंह पर हाथ रखेंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से कुछ जवाब ना होगा। लेकिन मैं खुदावंत की रूह के बायस कुव्वत ओ अदालत और दलेरी से मामूर हूं, ताकि याकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी खता जताऊं। ए बनी याकूब के सरदारों और ए बनी इसराइल के हाकिमों, जो अदालत से अदावत रखते हो और सारी रास्ती को मरोड़ते हो, इस बात को सुनो। तुम जो सैयोन को खूनरेजी से और यरूशलेम को बेइंसाफी से तामीर करते हो, उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं और उसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं और उसके नबी रुपया लेकर फालगिरी करते हैं, तो भी वो खुदावंद पर तकिया करते हैं और कहते हैं, क्या खुदावंद हमारे दरमियान नहीं? पस हम पर कोई बला ना आएगी। इसलिए सयोन तुम्हारे ही सबब से खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा,
और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। मीका चौथा बाब। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरारत सयून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब अलफवाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है, क्योंकि सब उम्मतें अपने अपने माबूद के नाम से चलेंगी, पर हम अब्दुल अबाद तक खुदावंद अपने खुदा के नाम से चलेंगे। खुदावंद फरमाता है कि मैं उस रोज लंगड़ों को जमा करूंगा और जो हांक दिए गए और जिनको मैंने दुख दिया फराहम करूंगा, और लंगड़ों को बकिया और जिलावतनों को जोरावर कौम बनाऊंगा, और खुदावंद कोहे सेओन पर अब से अब्दुल अबाद तक उन पर सल्तनत करेगा। ए गल्ला की दीदगा, ए बिनते सेओन की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है। कदीम सल्तनत यानी दुख्तरे यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। अब तू क्यों चिल्लाती है, गोया दर्दे जय में मुब्तला है? क्या तुझ में कोई बादशाह नहीं? क्या तेरा सलाहकार नेस्त हो गया? ए बिनते सेहून, जच्चा की मानिंद तकलीफ उठा और दर्दे जय में मुब्तला हो, क्योंकि अब तू शहर से खारिज होकर मैदान में रहेगी और बाबल तक जाएगी। वहां तू रिहाई पाएगी और वहीं खुदावन तुझको तेरे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। अब बहुत सी कौमें तेरे खिलाफ जमा हुई हैं और कहती हैं, सयून नापाक हो और हमारी आंखें उसकी रुसवाई देखें, पर वो खुदावंद की तदाबीर से आगाह नहीं और उसकी मसलहत को नहीं समझती, क्योंकि वो उनको खलियान के पूलों की तरह जमा करेगा। ए बिनते सेहून, उठ और पामाल कर, क्योंकि मैं तेरे सींग को लोहा और तेरे खुरों को पीतल बनाऊंगा, और तू बहुत सी उम्मतों को टुकड़े टुकड़े करेगी, उनके जखीरे खुदावंद की नजर करेगी और उनका माल रब्बल आलमीन के हजूर लाएगी। मीका पांचवां बाब। ए बिनते अफवाज, अब फौजों में जमा हो, हमारा मुहासरा किया जाता है, वो इसराइल के हाकिम के गाल पर छड़ी से मारते हैं। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझसे एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर जमानाए साबिक, हां कदीमुल अय्याम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक के जच्चा दर्दे जह से फारिग ना हो, तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गल्लाबानी करेगा और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाए जमीन तक बुजुर्ग होगा और वो ही हमारी सलामती होगा। जब असूर हमारे मुल्क में आएगा
और हमारे कसरों में कदम रखेगा, तो हम उसके खिलाफ 7 चरवाहे और 8 सरगिरोह बरपा करेंगे, और वो असोर के मुल्क को और निमरूद की सरजमीन के मुदखिलों को तलवार से वीरान करेंगे। और जब असोर हमारे मुल्क में आकर हमारी हदूद को पामाल करेगा, तो वो हमको रिहाई बख्शेगा, और याकूब का बकिया बहुत सी उम्मतों के लिए ऐसा होगा जैसे खुदावंद की तरफ से ओस और घास पर बारिश, जो ना इंसान का इंतजार करती है और ना बनी आदम के लिए ठहरती है। और याकूब का बकिया बहुत सी कौमों और उम्मतों में ऐसा होगा जैसे शेर बब्बर जंगल के जानवरों में और जवान शेर भेड़ों के गल्ला में, जब वो उनके दरमियान से गुजरता है तो पामाल करता और फाड़ता है, और कोई छुड़ा नहीं सकता। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों पर उठे और तेरे सब मुखालिफ नेस्त हो जाएं। और खुदावंद फरमाता है, उस रोज मैं तेरे घोड़ों को जो तेरे दरमियान है काट डालूंगा, और तेरे रथों को नेस्त करूंगा, और तेरे मुल्क के शहरों को बर्बाद और तेरे सब कलों को मिसमार करूंगा, और मैं तुझसे जादूगरी दूर करूंगा, और तुझ में फालगीर ना रहेंगे, और तेरी खोदी हुई मूर्तें और तेरे सतून तेरे दरमियान से नेस्त कर दूंगा, और तू फिर अपनी दस्तकारी की इबादत ना करेगा, और मैं तेरी यसरतों को तेरे दरमियान से उखाड़ डालूंगा, और तेरे शहरों को तबाह करूंगा, और उन कौमों पर जो शिनवा ना हुई अपना कहर और गजब नाजल करूंगा। अब खुदावंद का फरमान सुन, उठ पहाड़ों के सामने मुभासा कर और सब टीले तेरी आवाज सुने, ए पहाड़ों और ए जमीन की मोहकम बुनियादों, खुदावंद का दावा सुनो, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों पर दावा करता है और वो इसराइल पर हुज्जत साबित करेगा। ए मेरे लोगों, मैंने तुमसे क्या किया है और तुमको किस बात में आजुर्दा किया है, मुझ पर साबित करो, क्योंकि मैं तुमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया और गुलामी के घर से फिदिया देकर छुड़ा लाया, और तुम्हारे आगे मूसा और हारून और मरियम को भेजा। ऐ मेरे लोगों, याद करो कि शाह मुआब बलक ने क्या मशवरत की और बलाम बिन बौर ने उसे क्या जवाब दिया, और शैतेम से जजाल तक क्या हुआ, ताकि खुदावंद की सदाकत से वाकिफ हो जाओ। मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूं, क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं, क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा, क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाह के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूं? ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसके नाम का लिहाज रखता है। आसा और उसके मुकरर करने वाले की सुनो, क्या शरीर के घर में अब तक नाजायज नफा के खजाने और नाकिस और नफरती पैमाने नहीं हैं? क्या वो दगा की तराजू और झूठे बाटों का थैला रखता हुआ बेगुनाह ठहरेगा? क्योंकि वहां के दौलतमंद जुल्म से पुर हैं और उसके बाशिंदे झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके मुंह में दगाबाज जुबान है। इसलिए मैं तुझे मोहलिक जख्म लगाऊंगा और तेरे गुनाहों के सबब से
तुझको वीरान कर डालूंगा, तू खाएगा पर आसूदा ना होगा, क्योंकि तेरा पेट खाली रहेगा, तू छुपाएगा पर बचा ना सकेगा, और जो कुछ के तू बचाएगा मैं उसे तलवार के हवाला करूंगा, तू बोएगा पर फसल ना काटेगा, जैतून को रौंदेगा पर तेल मलने ना पाएगा, तू अंगूर को कुचलेगा पर मैं ना पिएगा, क्योंकि उमरी के कवानीन और अखियब के खानदान के अमाल की पैरवी होती है और तुम उनकी मशवरत पर चलते हो, ताकि मैं तुमको वीरान करूं और उसके रहने वालों को सुस्कार का बायस बनाऊं, बस तुम मेरे लोगों की रुसवाई उठाओगे। मीका सातवां बाब। मुझ पर अफसोस, मैं ताबिस्तानी मेवा जमा होने और अंगूर तोड़ने के बाद की खोशा चीनी की मानिंद हूं, ना खाने को कोई खोशा ना पहला पक्का दिल पसंद अंजीर है। दीनदार आदमी दुनिया से जाते रहे, लोगों में कोई रास्तबाज नहीं, वो सब के सब घात में बैठे हैं कि खून करें, हर शख्स जाल बिछाकर अपने भाई का शिकार करता है, उनके हाथ बदी में फुर्तीले हैं, हाकिम रिश्वत मांगता है और काजी भी यही चाहता है, और बड़े आदमी अपने दिल की हिर्स की बातें करते हैं और यूं साजिश करते हैं, उनमें सबसे अच्छा तो ऊंट कटारे की मानिंद है और सबसे रास्तबाज खारदार झाड़ी से बदतर है। उनके निगहबानों का दिन, हां उनकी सजा का दिन आ गया है, अब उनको परेशानी होगी। किसी दोस्त पर एतमाद ना करो, हमराज पर भरोसा ना करो, हां अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी मां के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं, लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा, मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है, जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा, तब मेरा दुश्मन जो मुझसे कहता था खुदावन तेरा खुदा कहाँ है, ये देखकर रुस्वा होगा, मेरी आंखें उसे देखेंगी, वो गलियों की खींच की मानिंद पामाल किया जाएगा, तेरी फसील की तामीर के रोज तेरी हदूद बढ़ाई जाएंगी, उसी रोज असूर से और मिस्र के शहरों से और मिस्र से दरियाए फरात तक और समुन्दर से समुन्दर तक और कोहिस्तान से कोहिस्तान तक लोग तेरे पास आएंगे, और जमीन अपने बाशिंदों के अमाल के सबब से वीरान होगी, अपने आशा से अपने लोगों यानी अपनी मिरास की गल्लाबानी कर, जो किरमल के जंगल में तन्हा रहते हैं उनको बसन और जिलाद में पहले की तरह चरने दे, जैसे तेरे मुल्क मिस्र से निकलते वक्त वैसे ही अब मैं उसको अजायब दिखाऊंगा, कौमें देखकर अपनी तमाम तवानाई से शर्मिंदा होंगी, वो मुंह पर हाथ रखेंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे, वो सांप की मानिंद खाक चाटेंगी और अपने छिपने की जगहों से जमीन के कीड़ों की मानिंद थरथराती हुई आएंगी, वो खुदावंद हमारे खुदा के हजूर डरती हुई आएंगी, हां वो तुझसे हरासान होंगी, तुझसा खुदा कौन है जो बद किरदारी मुआफ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर करे।
वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वो ही हमारी बद किरदारी को पामाल करेगा और उनके सब गुनाह समुन्दर की तह में डाल देगा। तू याकूब से वफादारी करेगा और इब्राहिम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम जमाना में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी।